गणेश खजूरिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश खजूरिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्टेट चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था, जे जो हमारे बीएड के लोगों ने एग्जाम दिया था थ्रू इग्नू, 7 और 8 जनवरी को बीईएस 128 और 129, इनको जो इग्नू डायरेक्टर और इग्नू के बीसी ने विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन जो जो एग्जाम कंडक्ट हुए बिल्कुल स्मूथली कंडक्ट हुए, उन एग्जाम को जो है वो कैंसिल किया गया और ये बताया गया कि जो आपके जे एग्जाम है अब 14 और 15 फरवरी को द्वारा होंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन को और खासकर जो हमारे बीसी हैं इग्नू के और रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू के, उनको ये वार करते हैं कि जे जो इन्होंने ऑर्डर निकाला, इस ऑर्डर को विड्रा किया जाए, क्योंकि कसूर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर जे एग्ज़ाम पहले कोई लीकेज हुई थी तो इन्होंने पहले एग्ज़ाम कैंसिल क्यों नहीं किए? जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए और जस्टिस थे, इसमें सी ओ से डी सी से इन्वॉल्व थे, डायरेक्टर ने एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट किए और उसके बाद जो टीचरों पर दोष मढ़ना कि आप जो एग्ज़ाम जो है उनका कैंसिल किया गया, इस ऑर्डर को विड्रा किया जाए। अगर इस ऑर्डर को विड्रा नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम सर, पर ये तो जो हमारे पास जो तथ्य आए थे कि ये पेपर्स जो थे बीएड के ये लीक हो चुके थे ऑलरेडी, अगर तभी इस पेपर को कैंसिल, अगर पेपर लीक थे तो एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नू अथॉरिटीज को इसको पहले कैंसिल करना चाहिए था। अगर कैंसिल हुए वो लोग जिस सेंटर में लीकेज हुआ उसी सेंटर में कैंसिल किया जाए, सब लोगों को इसकी सजा क्यों मिले? और जिसने जे कैंसिल किए हैं, जिन्होंने लीक किए हैं, मैं उनको ये कहूँगा उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर टीचर फोरम हमेशा स्कूलों में काम वर्क कल्चर में हमेशा बिलीव करती है, स्कूलों में पढ़ाने में जिस आदमी ने आप क्या डिमांड करें, जिस सेंटर में ये लीकेज हुए जहाँ, हाँ जिस सेंटर में लीकेज हुआ वो कैंसिल हो जाए, कोई कुछ हमें कोई इतराज नहीं। बाकी जो एग्जाम है जो बाकी लोग पूरी स्टेट का जो है बिल्कुल।